हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। जी हाँ दोस्तों, आज आपने टॉपिक देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज किस पर बात होने वाली। आज बात होने वाली पीएम केयर फंड पे। जी हाँ दोस्तों, पीएम केयर फंड में आज मैं बात करने वाला, आप कैसे उसमें योगदान दे सकते, कितना योगदान दे सकते, क्यों योगदान दे सकते हैं और आपको देना क्यों चाहिए। बहुत सारे अफवाहें उड़ रही है कि पीएम मोदी ने ये अपने लिए फंड खोला। 100% गलत है। उन्होंने अपने लिए ये फंड नहीं खोला है, वो पूरा देश के लिए खोले हुए हैं। पूरे कंट्री के लिए उन्होंने पीएम केयर फंड खोला है और उसमें ये जो भी धनराशि उसमें जा रही है वो सब गरीबों के लिए चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वो कहाँ चली जा रही है? गरीबों के लिए चली जा रही है। तो पीएम मोदी ने ऐसा अपने लिए नहीं किया है, ऐसा उन्होंने गरीबों के लिए किया है। जो लोग पलायन कर रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, उनके लिए किया गया। बहुत सारे लोग सोच रहे कि वो अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, ये न्यूज गलत है, ये अफवाह है, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। और पीएम मोदी जी के लिए मैं एक चार लाइन का पंक्तियां सुनाता हूं और आप लोग भी मोटिवेट रहे, आप लोग भी इन पंक्तियों को सुनकर मोटिवेट रहे। हर जलते दीपक के तले एक अंधेरा होता है। हर जलते दीपक के तले एक अंधेरा होता है, हर रात के पहले एक सवेरा होता है, हर रात के पहले एक सवेरा होता है। जो लोग डर जाते हैं मुसीबत के वक्त, लेकिन हर मुसीबत के पहले एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं हर मुसीबत के वक्त, लेकिन मुसीबत के पहले एक सवेरा होता है। तो कहने का मतलब यह है, आज देश को मुसीबत है, देश के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत खत्म हो जाएगा, किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास 5 रुपया है, चाहे 10 रुपया है, चाहे 100 रुपया है, आपके पास चाहे जितना भी हो, आप सहयोग जरूर करें, पीएम केयर फंड में जरूर करें। ऐसा नहीं जरूरी है कि 1,00,000,000 रुपया लोग दे रहे हैं तो मैं भी 1,00,000,000 रुपया ही दूं। आपके पास 5 है, 10 है, 100 है, 50 है, जितना भी है आप उतना दे दीजिए। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ धनराशि आप दीजिए, तो 100% आप 5 रुपया, 10 रुपया, 20, 25 जितना भी हो सकता है उसको आप सहयोग के रूप में दीजिए, ताकि अपने देश का कल्याण हो सके। क्योंकि हम लोग अपने ही देश से कमाते हैं, अपने ही देश का पैसा तो इतना तो कर ही सकते हैं। और आप यहाँ से कहाँ से वो राशि दे सकते हैं? बहुत सारे लोग पेटीएम चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं। वहां से आप इन सब साइटों से भीम ऐप का भी आप यूज कर सकते हैं। आप भीम ऐप के थ्रू भी पैसे को भेज सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से 1 रुपया, 5 रुपया, 10 जितना भी हो सके आप सहयोग करिए किसी भी ऐप से। अगर आप यहाँ से नहीं कर पाते हैं तो गूगल क्रोम में जाके डेस्कटॉप साइट मोड पर जाकर आप वहां पे प्रधानमंत्री ऑफिशियल फंड लिखेंगे तो फिर वहां पर भी आ जाएगा, वहां से भी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये इजी रहेगा, ये तरीका थोड़ा सा इजी है, तो आप यहाँ से भी उस तरीकों से जो है कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास जितना भी है कुछ ना कुछ जरूर उसमें से दें। जी हाँ दोस्तों, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ धनराशि मैं भी कलेक्ट करके दूं, देखिए कितना हो पाता है। मैं अगले बार जब वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में तो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर यहाँ पे करें। तो बस वीडियो इतनी सी थी, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।